प्रखंड ससई क्षेत्र के ग्राम मुर्गू में नवनिर्मित हनुमान मंदिर भगवान राम भक्त हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य रूप से ग्राम मुर्गू हनुमान मंदिर से सभी युवती एवं महिलाएं कलश लेकर जल लाने के लिए खाली पैर चलकर कोयल नदी तक गए। लगभग मंदिर से कोयल नदी तक की दूरी 3 किलोमीटर तक महिलाएं कलश को साथ लेकर चले, साथ में भक्तगण भी चले। सभी भक्तगण राम नाम की जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। इस कलश यात्रा को देखने के लिए मनोरम दृश्य लग रहा था। उसके बाद पैदल चलकर कोयल नदी पहुंचकर पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चार के पश्चात सभी कलश यात्री अपनी अपनी कलश में जल उठाकर नदी से चले। पुनः वापसी में 3 किलोमीटर की दूरी तय की गई। मंदिर का निर्माण कर रहे थे, बहुत तकलीफ से हुआ, आज पूर्ण हो गया हमारा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। आज 2 तारीख को कलश यात्रा, 3 तारीख को मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, 4 तारीख को हवन वगैरह और विसर्जन होगा, और 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख 7 बजे से 9 बजे तक तीनों दिन उन्हें राम कथा का आयोजन किया गया है। जो हम अपना संकल्प ले लिए थे, यहाँ पर वो बर का ब्रिज था, हम लोग का दादा लोग उसमें गिर गया था, जो हम सोचे कि देखो बजरंग मंदिर का मंदिर बनवा देंगे तो मंदिर इसी को हम वो रुकी है। हम लोग को गाँव वाले को बहुत महसूस लगा, हमको बहुत अच्छा आनंद लग रहा है। किला वासियों से मुर्गू वासियों से शीशे थाना वासियों ग्राम शीशे से जो भी हम लोग का सहयोग वो इन लोग अपना कुछ योगदान करे ताकि कि उनका भाग्य बने। मेरा नाम हरिहर प्रसाद जायसवाल और बिमला देवी ग्राम मुर्गू पोस्ट मुर्गू थाना। नवनिर्मित मंदिर बजरंग बली मुर्गू गांव में आज बना है, इसे हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि मुर्गू मेरा गांव है और आज बजरंग बली का मूर्ति बनाना ये बहुत ही गर्व की बात है। और जो यहां बनाए हैं, जो हमारे साथ हैं, हम हरिहर भाई बड़े भाई आदरणीय हरिहर जायसवाल जी को हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज बहुत ही अच्छा काम किए और इस क्षेत्र मुर्गू जैसे मूर्ति बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और आज कलश यात्रा था, उसमें भी मैं शामिल हुई और लगातार अभी 3 दिन तक यहाँ कार्यक्रम चलेगा। यहाँ बिल्कुल धर्म मतलब यहाँ का वातावरण और इसके लिए मैं तहे दिल से जो बनाए हैं उसको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ दोनों पति पत्नी को कि निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा काम को किए हैं। और आज मुर्गू गांव को भी श्रेय जाता है कि मुर्गू गांव के लोग आज धर्म के प्रति जागरूक हैं, ये भी बहुत गर्व की बात है। तो मैं सबों को पुनः धन्यवाद देती हूँ इस पुनः मंदिर निर्माण के लिए। और कल प्राण प्रतिष्ठा भी है और परसों को भंडारा भी है। मैं निश्चित तौर पर ये मेरा मैं तीनों दिन और यहाँ की रामायण कथा भी है तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोग भक्तिमय में डूबेंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी। हर्ष की बात है कि आज हमारे गांव में 100 जन के द्वारा सभी ग्रामवासियों के सहयोग से इस मंदिर का नवनिर्मित निर्माण किया गया और सभी हमारे गांव के दूर दराज के सभी टोले महल्ले के सब कोई का बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए और सभी लोग बड़े हर्ष के साथ श्री हनुमान जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम में कलश यात्रा 2 तारीख से प्रारंभ होके 3-4 तारीख को भंडारा और समापन की जा रही है और सभी श्रद्धालु लोग इसमें आके इतना तन मन धन से सहयोग करके और इस कार्य को सफल बनाने में सभी धर्म प्रेमी सज्जनों के द्वारा सनातन धर्म के द्वारा इस कार्य को संपन्न की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और 3 दिन होगी। ओम प्रकाश पाठक ग्राम मुर्गू थाना सिसई जिला गुमला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।